हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। आज हम शमी के वृक्ष के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका बॉटानिकल नेम प्रोसोपीट सिनेरिया है। इसे खेजड़ी, शिवा, झंडे जैसे नामों से भी जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पेड़ का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। विजयदशमी में भी इस वृक्ष का पूजन करा जाता है और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में भी इस वृक्ष का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। ये पेड़ नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। ये एक हार्डी ट्री है। ये बहुत तेज़ गर्मी को भी सहन कर लेता है और हर तरह की मिट्टी में आसानी से चल जाता है, इसलिए आमतौर पर रेगिस्तान में भी मिल जाता है। आप इसे बीज से लगा सकते हैं या फिर कटिंग से लगा सकते हैं। इसके जो सीड्स हैं वो येलो कलर के होते हैं। जर्मिनेशन के टाइम इस बात का ध्यान दें कि जो बेबी प्लांट है उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना आने दें और जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसे ग्रूमिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी पायरेटिक और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और ये मसल रिलैक्सेंट भी हैं। अगर इसके मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो ये आयुर्वेदा में काफ़ी यूज़ होता है एज अ ब्रेन टॉनिक। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। आइज डिसऑर्डर, अस्थमा, स्किन डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, अर्थराइटिस, कोल्ड, कफ या फिर अल्सर के ट्रीटमेंट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। घाव भरने में भी एक मदद करता है। आंतों के कीड़े हटाने में भी काफ़ी यूजफुल है। और जो इसकी पत्तियाँ हैं वो चारे की तरह यूज़ होती हैं। आप भी इस वृक्ष को अपने आसपास लगाइए या घर में लगाइए।